जानना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों था। 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस होने के बाद लॉ मेकर्स को लगा, पार्लियामेंटेरियंस को लगा कि अब हमारे को अपना संविधान चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 1946 में समवेयर इन दिसंबर 46 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उन्होंने फॉर्मेशन करी, जिसके अंदर उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर काफी सारी बॉडीज बनाई गई जिनका अलग अलग टाइप से काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी। 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि तकरीबन 3 साल से कम टाइम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जिसके अंदर जो कि मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी फॉर द ड्राफ्टिंग एंड द स्क्रूटनाइजिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वो दी गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को, क्योंकि उस टाइम उनसे ज्यादा और मुझे लगता है आज तक उनसे ज्यादा कोई विद्वान आदमी ना तो था ना कोई होगा। उस टाइम भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर वल्लभ भाई पटेल से लेकर सारे लोग थे, लेकिन कानून की जो जानकारी चाहिए वो तो इनके किसी के पास भी नहीं थी। इन्होंने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब को कि साहब आप हमारे को ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर आप चेयरमैन रहेंगे। 3 साल से भी कम पीरियड में ड्राफ्टिंग पूरी हुई और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये रेजोल्यूशन भी वो अडॉप्ट किया जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से एक्चुअल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको एक्सेप्ट किया गया, जिसको हम रिपब्लिक डे के लिए कहते हैं, और जिस 26 नवंबर 1949 के लिए जिस उपलक्ष में हम लोग बैठे हुए हैं उसको आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से मनाया जाता है। ये हम सबके लिए, ना कि इस हॉल में जितने बैठे हुए हैं, बल्कि एक एक नागरिक के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो माइनॉरिटीज का हो, चाहे वो डिप्रेस क्लासेस का हो, सबके लिए ये डे बहुत बहुत जरूरी है, जिसके लिए जानकारी सबको होनी चाहिए कि ये असली में है क्या। आप कॉन्स्टिट्यूशन पेपर में, न्यूज पेपर में दसियों बार पूरे दिन में सुनते हो कि संविधान की समीक्षा की जा रही है, संविधान का ये हो रहा है, संविधान का वो हो रहा है, चेंज होने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने आज तक कभी संविधान की हिंदी में भी किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करी होगी। और यही रीजन है कि इतने सालों के बाद भी हम लोग जो हमारा ग्राफ है वो प्रोग्रेस होने की बजाय उल्टा नीचे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग हमारी ही किताब को, जो कि हमारा बाइबल है, विकिपीडिया है, जिससे कि हम जी रहे हैं, हम लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार है, आपको इस हॉल के नीचे असेंबली करने का फ्रीडम टू स्पीच है, ये सब उस संविधान की बदौलत मिला हुआ है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप इंग्लिश वर्जन नहीं, अगर जो मेरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं अगर वो इंग्लिश वर्जन पढ़ सकते हैं तो वो पढ़े, नहीं तो हिंदी का, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं एस के गौतम जी, जो कि स्पेशल कमिश्नर है, उन्होंने हिंदी के अंदर एक काव्य बनाया है, मुश्किल से 20 पेज का है, जिसको हर घर में हर आदमी को पढ़ना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों और कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर नागरिक, हर सिटीजन का एक उसके अंदर राइट एंड ड्यूटीज दे रखी हैं कि वो किस तरह से निर्वाह करेगा अपने पूरी जीवन को। इसके अंदर 3 ऑर्गन्स दे रखे हैं मेन, जिससे कि पूरी की पूरी सिस्टम काम करता है, वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये 3 पिलर जो मेन पिलर है वो कैसे काम करेंगे, वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा गया उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं चीफ सेक्रेटरी हो गया हूँ या कोई मैं टॉप का पीएम हो गया हूँ या प्रेसिडेंट हो गया हूँ तो मैं ही सर्वे सर्वा, नहीं, सबके लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो कि इनको फॉलो करनी पड़ेगी। अब दूसरा इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज दे रखी है वो दे रखी है कि नागरिकों के अधिकार। जनरली
क्योंकि बीइंग एडवोकेट हम लोग तो संविधान पढ़ते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग एक्ट सेक्शन हम लोग रात दिन देखते हैं, लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए जो आर्टिकल 14 से लेकर जो 19 तक है, हर एक नागरिक को उसको आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक के अधिकार पता होने चाहिए कि इसके अंदर असली में है क्या। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि सब लॉ के आगे, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड रेस से बिलोंग करता हो, लेकिन लॉ के आगे सब बराबर हैं। 14 है, 15 है प्रोविजन है कि आप कास्ट क्रीड रिलीजन और एरिया ऑफ प्रैक्टिस के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 16 के अंदर गवर्नमेंट जितने भी हम लोग सर्विसेज कर रहे हैं, आर्टिकल 16 उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सब कुछ दे रखा है कि आर्टिकल 16 के अंदर राइट जो हमें मिले हुए हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करने का, उसके अंदर वो दे रखे हैं। आर्टिकल 19 है जो कि जिसके उसके अंदर बहुत तरह के जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, यूनियन बनाने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, कहीं भी जाके बसने का अधिकार या कहीं भी पूरी इंडिया में जाके काम करने का अधिकार, वो आर्टिकल 19 में ही मिलता है। इसके अलावा आप जो सबसे ज्यादा जो जनरल पब्लिक को जो वास्ता पड़ता है वो पड़ता है आर्टिकल 226 से, जिसके अंदर हम लोग जो जुडिशरी से आए सबसे ज्यादा हम लोग उसको यूज करते हैं आम आदमी के अधिकारों को बचाने के लिए, वो है आर्टिकल 226। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 4 रिट दे रखी है जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम हो कि वो रिट क्या है, किसी आदमी का भी कोई भी राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 14 से लेके और जितने भी आर्टिकल हैं, अगर कोई वायलेट होता है तो वो आदमी डायरेक्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर 226 के अंदर जाके वो पेटिशन फाइल कर सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 32 है जिसके अंदर कोई भी नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके अगर कोई राइट वायलेट होता है तो उसको भी आगे कर सकता है। अब ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या ये सोच के ड्राफ्ट किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की कभी भी एक्चुअल के अंदर स्ट्रिक्ट सेंस से कभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन माना ही ना जाए। आप 1950 से देखिए और आज तक एक्चुअल में बाबा साहब के जो उस टाइम की सोच होगी कि आने वाला समाज सब बराबर हो जाएगा, बहुत जल्दी बराबर होगा, सबको अधिकार बराबर मिलेंगे, वो जिस दिन से लागू हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वो उस दिन से ही नहीं मिलेगा हम सबको, किसी को नहीं मिले इनफैक्ट। और मेन मैं जो डालूंगा SC ST और माइनॉरिटीज को तो बिल्कुल भी वो अधिकार किसी भी क्षेत्र में नहीं मिले। उसका क्या रीजन है? उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, लेकिन जो पहले एक इनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था जिसको बोलते हैं मनु का कॉन्स्टिट्यूशन, वो पैरेलल कंटिन्यूअस इंडिया में उस टाइम भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, जिसकी वजह से समाज के अंदर इतनी भेदभाव की भावना है, आदमी कास्ट को लेकर लड़ रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर बजट नहीं पास करते ये लोग, लैंड एक्वायर हो रही है जो ST लोग हैं उनकी लैंड एक्वायर हो जा रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर और वो कॉर्पोरेट को दी जा रही है। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 जो फ्रेम हुआ है वो तो आज तक कभी देखा जाए तो आज तक कभी फुलफिल ही नहीं हुआ। आर्टिकल 39 है, इसके अंदर लॉ मेकर्स ने फ्रेम किया कि जी इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हो गया सीधी सी चीज में, किसी भी गरीब और अमीर का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो कभी भी इतना ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए कि जिससे कि डिस्पैरिटी आ जाए सोसाइटी के अंदर, कि एक आदमी के पास तो 1000 गज के अंदर वो 4 लोग रह रहे हैं और 1000 गज के अंदर ही कम से कम 500 लोग रह रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी आज तक
कभी भी फुलफिल नहीं हुई, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सिस्टम हो, वो कभी चाहेगा ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक प्रोविजन का ढंग से अमल हो सरकार के द्वारा। अभी मैं पीछे आउटलुक मैगजीन 2017 का एक एडिशन है, जिसके अंदर एक काफी प्रख्यात राइट विंग के जो स्पोर्ट्स पर्सन है गोविंदाचार्य, शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने बैठे हैं काफी लोग स्पोर्ट्स पर्सन को जानते हो, गोविंदाचार्य क्या चीज है क्या नहीं है, उनका आउटलुक मैगजीन के अंदर उनका इंटरव्यू आया है। कहते हैं कि अम्बेडकर ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो अंग्रेजों की नकल करके बनाया, कुछ भी नया नहीं था। इनफैक्ट उनका तो ये स्टेटमेंट आया हुआ आउटलुक के अंदर कि इंडिया को नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं थी। और मुझे इस बात से और ताज्जुब हो रहा है कि किसी भी बुद्धिजीवी ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने, किसी भी इंडिविजुअल ने उस आर्टिकल को ढंग से पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा होगा तो उसको इग्नोर किया। क्योंकि अगर वो अंबेडकर बाबा साहब के ऊपर ऐसे टिप्पणी करते हैं कि अंग्रेजों का देख के नकल टीपी गई, अमेरिका के, यूएसए के और यूके के, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी करके बनाई गई है, और वो पब्लिकली अगर वो उस चीज को गलत बोल रहे हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है, ना कि हम लोग जो डिप्राइव्ड क्लासेस से आते हैं, सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है, हर उस नागरिक की ड्यूटी है जो कि इस इंडिया के अंदर रह रहा है। क्योंकि जितने अधिकार मिले हैं वो सारे के सारे बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत ही मिले हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो कि मीडिया के थ्रू या वेरियस जितनी भी मैगजीन्स हैं, कि कुछ ना कुछ आए दिन चलता रहता है कि ये लोग चेंज करने की सोच रहे हैं, हिस्ट्री बुक्स में इन्होंने चेंज कर दिया है। एक बहुत बड़ी बॉडी है ICCSR, जिसका पूरा टाइम रिसर्च करने में लगता है, उनका काम ही यही है कि 24/7 वो रिसर्च करें हिस्ट्री कैसे मास्टर्स के हिसाब से अमेंड की जाए। आप जब उसके भी मेंबर्स की लिस्ट देखेंगे, मैं एक कॉपी निकाल के लाया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आप उसको आप लोगों को मैं बताऊं कि ICSSR जिसका पूरा टाइम जिसका काम है रिसर्च करना हिस्ट्री के अंदर, उनका मैं 2017 का लेख बता रहा हूं 30 जून का, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जो आया है, उसके अंदर वो कहते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है अमिता सिंह मैडम, जो कि ICSSR की मेंबर है, वो कहती हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रोफेसर अमिता सिंह हु हैड लास्ट ईयर क्रिएटेड अ कंट्रोवर्सी आफ्टर हर अलेज्ड रिमार्क दैट दलित एंड मुस्लिम आर एंटी नेशनल्स इज अमंग द 13 पीपल सेलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज द मेंबर ऑफ द ICSSR। अगर हमारा इतिहास हम नए हिसाब से ऐसे लोग बनाएंगे कि जो कहते हैं कि दलित और मुस्लिम एंटी नेशनल्स हैं, जिनकी अगर टोटल पॉपुलेशन अगर क्लब कर दी जाए 2011 के सेंसस के हिसाब से तो 23 और तकरीबन 17% तो आगे तो हम लोग हैं, अगर ऐसे लोग हमारा आगे का इतिहास लिखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन का फेरबदल करेंगे या हमें एंटी नेशनल बोलेंगे, तो डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर बहुत ब्लीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। इसके अलावा एक और सर्वे हुआ है, वो भी भारत सरकार के द्वारा ही किया गया है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि कितने दलितों के पास कॉन्स्टिट्यूशन 1950 लागू होने के बाद भी उसके अंदर ऐसी ऐसी प्रोविजंस हैं जिसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर चीज के अंदर न्याय होना चाहिए, सरकार के हर पॉलिसी के अंदर न्याय दिखना चाहिए, उसके बाद भी, जबकि मैं इन आंकड़ों पे जाता हूं, इसके अंदर लिखा हुआ कि दलितों के पास 60% दलितों के पास आज भी लैंड नहीं है। तो क्या बाबा साहब का जो उनकी सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम, क्या वो पूरी हुई है, क्या समानता आई है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आई। इसके अलावा ये जो मैं आंकड़ा बोल रहा हूं, ये भी भारत सरकार का ही आंकड़ा है कि 67% जो जेलों में बंद है पूरी इंडिया के अंदर लोग,
वो एससी ओबीसी के लोग और एससी के लोग 67% लोग इंडिया की जेलों में बंद हैं और 30% माइनॉरिटीज के लोग जेल में बंद हैं। अगर आप इन दोनों को क्लब कर लोगे तो मुझे लग रहा है ये आंकड़ा 90-93 के ऊपर जा रहा है। अब इनसे पूछा जाए टीचर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने ढंग से बनाया ही नहीं, आपने उसको अमल किया ही नहीं बाबा साहब के सपने को, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो 93-94% लोग सिर्फ डिप्रेस क्लासेस के ही लोग क्यों जेल में बंद हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान को 1950 से इन्होंने बना तो दिया, रिपब्लिक डे भी मनाने लग गए, झांकियां भी निकलने लग गई, लेकिन मन से कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने बाबा साहब के उस संविधान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो एक्सेप्ट करते तो इतनी जो असमानताएं हैं ये कमी ना होती कि 93% का जो बहुजन है वो जेल में अंदर सड़ रहा है और जो असली में जो क्राइम करते हैं जिनको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, जो कॉर्पोरेट के बड़े बड़े क्लाइंट जो क्राइम्स करते हैं वो उनको 4-4 घंटे में जमानत मिल जाती है। तो आने वाला जो समय है वो डेफिनेटली हम सबकी ड्यूटी बनती है कि डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यायपालिका को अप्रोच करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप में जाएं, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल भी अगर उसको लगता है कि उसके साथ या उसके समाज में या उसके अड़ोस पड़ोस कुछ भी गलत हो रहा है तो वो जाके डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन 226 के अंदर रिट फाइल कर सकता है हाईकोर्ट में। धरना देना, पार्टीज बनाना वो एक अलग चीज है क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक पार्ट है, लेकिन आपको संवैधानिक तरीके से अगर आपको असली में सपने साकार करने हैं बाबा साहब के, तो आपको इन तीनों जो पिलर्स हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इन तीनों के अंदर से आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन का जो असली जो उनका सपना था, जो उनका मोटिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे, वो तभी पूरा होगा। इसके अलावा आपने लोगों ने देखा होगा रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपने लॉन के अंदर बैठ के उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसेंटिंग इंटेक उन्होंने भी इंटरव्यू दिए। उससे पहले ऊना का कांड हुआ, मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग इतनी हो रही है कि इन्हीं के आंकड़े के हिसाब से 52-53 लोग मॉब लिंचिंग में मर गए हैं। तो देखा जाए तो ये खुले आम कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है और वो कौन उड़ा रहा है उसके लिए तो गवर्नमेंट या सिस्टम जो है वही जिम्मेदार है। या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को ढंग से फॉलो नहीं करना चाहते, या ये लोग जो एक बहुजन लोग हैं या जो मेजोरिटी में है जिनको कभी भी उनका राइट कभी मिला ही नहीं, चाहे कोई भी पार्टी है, या ये चाहते हैं कि ये लोग जगे ना, क्योंकि नहीं जगेंगे तब तक इनको फायदा होगा, कोई 2.5% है, कोई 5.5% है, और ये लोग हम सब पे पूरा हर तरफ से कंट्रोल करके पूरी, चाहे आप जॉब में बैठे हो चाहे आप न्यायपालिका में हो, इन लोगों ने पूरे तरीके से कंट्रोल में कर रखा है अपने सब चीजों को। इसके अलावा जहां तक इक्वालिटी की बात आती है, मैं 5 मिनट जहां तक इक्वालिटी की और बात आती है, लेटेस्ट अभी जो इश्यू चल रहा है सबरीमाला का, कहने के लिए आर्टिकल 14 है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी वहां पे उस मंदिर के अंदर औरतों को नहीं देने जाने दिया जा रहा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन का असली पालन हो रहा है? नहीं हो रहा। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कहीं ना कहीं, वो खुद ही चाहती है कि इनइक्वालिटी पूरी सोसाइटी में फैली रहे जिससे कि हम कम परसेंटेज वाले मेजोरिटी के ऊपर हमेशा रूल करें। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि इसको बचाया कैसे जाए, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया कैसे जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करें, अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल पार्टीज को जो आपको लगता है कि आपको जो उचित न्याय दे उसको सेलेक्ट करें, अपने अधिकारों के लिए आप लड़ाई करें और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें,
और सब यूनाइटेड रहे तभी कॉन्स्टिट्यूशन को बचा पाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तो हम लोग बचेंगे। जय हिंद।